नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और कुंभ लगन वाले जातकों पर कैसा ये पूरा महीना बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ कर दूं इससे पहले दो डिस्क्लेमर ऑलरेडी हर वीडियो में देता हूं। इसको लगन के आधार पर देखना है सबसे पहली बात, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस ये केवल गोचर का परिणाम है तो इसको अंतिम परिणाम नहीं मानिएगा। गोचर में कुंभ लगन वाले जितने भी लोग होंगे सभी पर यह पूरा प्रभाव देगा जैसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपकी लगन कुंडली अलग बनेगी क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलग होगा। तो इस कारण से जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा मिसमैच करेगा, लेकिन 50% तो सभी लोगों के लिए सेम जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका भी पता चले कि ये मंथ, मैं 100% तो नहीं कहता हूँ लेकिन 70% तक भी अगर आपको कोई सही बता दे तो हमारे कस्टमाइज राशिफल के लिए हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं 9818318303 पर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको सही समय पर आपको कोई भी अलर्ट होता हो या कोई भी परेशानी होती है आपको व्हाट्सएप के थ्रू या हम अपने मोबाइल ऐप के थ्रू उसको अलर्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुंभ लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा होगा। और ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं 6390902638 से लेके ये पूरा सीरीज़ है 52 तक। आप इस पर किसी भी नंबर पे कस्टमाइज राशिफल के लिए कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जिससे कि आपका कस्टमाइज राशिफल सही टाइम पर पहुँचे। देखिए, कुंभ लगन वाले जातकों का जो ये महीना मैं देख रहा हूँ, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट दिख रहा है और राइट हैंड साइड में चार्ट दिख रहा है। ये अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से मैं बताता हूँ। ये दोनों चार्ट आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड का जो चार्ट है वो 1 अगस्त का है और राइट हैंड साइड का जो चार्ट है वो 31 अगस्त का है। महीने का पहला दिन और महीने का अंतिम दिन क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उनका कलर जो है उनको कलरफुल रखा गया है, जिनका राशि परिवर्तन नहीं होगा उनको कोई कलर नहीं दिया गया। चंद्रमा डेली राशि परिवर्तन, डेली नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, इसलिए उसको भी हम नहीं इसमें इन्वॉल्व किए हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्या है, आपका लग्नेश 12th हाउस में है। बार बार वही बोलता हूँ, अभी भी विदेश में ही फंसे रहेंगे, अभी भी आपके खर्च बढ़ते रहेंगे। तो ये लग्नेश का 12th हाउस में, और जो लोग PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी लगभग ये कुंभ लगन वाले जातकों के लिए अच्छा समय ये चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है अभी, ये बुध आपके माइंड का मालिक होकर रोग में बैठा हुआ, तो इस समय माइंड का पूरे तरीके से काम करना यानी मानसिक रूप से परेशान रहना स्वाभाविक है। इस पूरे महीने में भी मानसिक रूप से कम 9 अगस्त तक का जो टाइम मैं बता रहा हूँ ये परेशान रहेंगे। उसके बाद बुध जब उच्च राशि में चला जाएगा तो ये विवाह और प्रेम प्रसंग के लिए काफ़ी अच्छा कर देगा। जो बेसिक ट्रांजिशन होंगे, 9 अगस्त को बुध का सिंह में राशि परिवर्तन होगा, 11 अगस्त को शुक्र का कन्या में राशि परिवर्तन होगा, 17 अगस्त को सूर्य का सिंह में राशि परिवर्तन होगा और 26 अगस्त को बुध का कन्या में राशि परिवर्तन होगा। अब हम देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, धन की स्थिति कैसी रहती है, क्या बताता है स्पीडोमीटर, क्योंकि ये स्पीडोमीटर टेक्निकली मैंने बनाया है और जैसा मैं स्पीडोमीटर में बता रहा हूँ वैसा ही आप चेक कीजिएगा गोचर में आपके ऊपर बीतेगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि स्वास्थ्य जो रहेगा वो बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है। अभी मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, हालांकि यहाँ पर सूर्य का बैठना काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सूर्य अगर बैठता है तो रोग ऋण शत्रु को ख़त्म करता है, लेकिन फिर भी जिनके स्किन बहुत सेंसिटिव होते हैं उनके लिए परेशानी, और मानसिक रूप से आपको ये पूरा महीना ज़्यादा परेशान करेगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। धन की स्थिति देखा जाए
देखिए धन का जो मालिक है ऑलरेडी लगन में जाकर बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में धन की संभावना जो है गोचर में काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। बस मुझे प्रॉब्लम केतु से है, केतु जो आपका सेवेंथ टेंथ हाउस में जाकर बैठा हुआ है वो आपके कर्म स्थान के लिए भी अच्छा नहीं है और धन की पर दृष्टि डाल रहा है, तो धन तो आ जाएगा लेकिन उसको रुकने नहीं देगा, ये थोड़ा सा परेशान आपको ज़रूर करेगा। धन के लिए स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे रहा है पूरा अच्छे लेवल पे जा चुका है, यानी धन से रिलेटेड आपको इस महीने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। इनफैक्ट जो धन फंसे हैं वो धन भी आपको मिल जाएगा कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। कार्य व्यवसाय के लिए देखिए स्पीडोमीटर एकदम फ्लैट है, पूरा कहा जाए 50% के आसपास ही दिखाई दे रहा है, सामान्य रहने वाला है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये जो केतु है ये आपको चैन से जीने नहीं देगा, कार्य को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि आपका आत्मबल गिर जाए, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि जॉब में स्थानांतरण हो, स्थान परिवर्तन का योग हो, और ये इस महीने कुछ ज़्यादा ही प्रबल रहेगा। इस महीने जो प्रबल रहेगा उसके कई रीज़न हैं, जो सिंह में बहुत सारे ग्रह एक साथ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें शुक्र भी कुछ टाइम तक रहेगा, तो चार ग्रह ऊपर से बृहस्पति पंचग्रही की जो युति बन रही है वो आपके कार्य व्यवसाय को भी ज़्यादा प्रभावित करेगी। शिक्षा के लिए देखा जाए तो शिक्षा के लिए 9 अगस्त तक का टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानी होगा, विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई करना भी चाहेंगे तो भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो 9 अगस्त के बाद जब बुध का राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे तो कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, और कार्य जो आप किसी परीक्षा को देना चाहते हैं तो 11 अगस्त के बाद का टाइम आपके लिए परफेक्ट रहेगा। 11 अगस्त तक कोई परीक्षाएं अगर होती हैं और कंपलसरी नहीं हो, क्योंकि जैसे विदेशों वाले जो परीक्षाएं होते हैं GRE GMAT, तो इन सब चीज़ों में आप डेट अपना खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे परीक्षाएं जिसमें आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए 11 अगस्त के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो उसमें सफलता मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगा और शिक्षा में अच्छा परिणाम नहीं आएगा तो मानसिक तनाव भी यहाँ पर बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग और यात्राओं का देखते हैं इस महीने कैसा पूरा समय बनता है। देखिए प्रेम प्रसंग के लिए स्पीडोमीटर अच्छा दिखाई दे रहा है, ये प्रेम प्रसंग का जो टाइम रहेगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अकस्मात लव रिलेशंस काफ़ी अच्छे लेवल पे आगे निकल जाए ऐसा मैं देख रहा हूँ, जीवन साथी के साथ इस कारण से कुछ विवाद भी हो सकता है, और यहाँ पर आप पूरी कोशिश कीजिए क्योंकि मंगल शुक्र और शुक्र नीच अभिलाषी है, मंगल के साथ है तो कई बार आपको जीवन साथी के साथ इतना वाद विवाद करा देगा कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही जब तक मंगल वहाँ पर है आपके शरीर में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देगा, और गुस्से से यहाँ पर काम नहीं करना है आपको, बहुत ही पेशेंस रख के काम करना है। ओवरऑल लव वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा बस 50% से थोड़ा सा आगे स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है, और इसका कारण है मंगल और शुक्र का एक साथ बैठना, और जब सूर्य आ जाएगा तो और प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ेगा, हालांकि सूर्य स्वग्रही रहेंगे लेकिन फिर भी परेशानी यहाँ पर देंगे। यात्राएं आपकी सामान्य से ज़्यादा होगी, बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आपकी यात्राएं ज़्यादा होंगी और यात्राएं करने से कई काम भी आपके बनने वाले हैं। तो ये था पूरा महीना कुंभ लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा, अगर एक वर्ड में कहा जाए तो हेल्थ के लिए सामान्य से बहुत कमज़ोर है, शारीरिक रूप से परेशानी नहीं होगी लेकिन मानसिक रूप से परेशानी रह सकती है, धन का आगमन आता रहेगा, कार्य व्यवसाय में कुछ परेशानियां ज़रूर रहेंगी, और शिक्षा में ये 9 अगस्त के बाद अच्छा होगा, 9 अगस्त से पहले कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, और प्रेम प्रसंग में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो रहेगा वो आपको परेशान करता रहेगा। तो ये था पूरा कुंभ लगन वाले जातकों का मासिक राशिफल, आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जिससे कि हम आपको और ज़्यादा रेक्टिफाई कर सके, हम आपको और ज़्यादा
बढ़िया से इसके बारे में बता सके। और सबसे अच्छा तरीका कस्टमाइज राशिफल के लिए हमारी टीम से बात कीजिए, जिससे कि रिपोर्ट मिलेगा और 30 डेज़ का फ्री ट्रायल भी आप एक्टिवेट करवा सकते हैं अपना। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।